गुड इवनिंग टू ऑल माय टीम सब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट? तो गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आया है कि मैम साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी के ऊपर कुछ वीडियो बनाइए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी में डील कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस टॉपिक के ऊपर कुछ जानना चाहते हैं कि एक्चुअली साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी क्या होता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे जो न्यूली अवेकन सोल्स है, जिन लोगों की अवेकनिंग हो चुकी है, जो लोग अपनी ट्विन से सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, मतलब बहुत दिनों से आप दोनों की सेपरेशन हो गई है, आप इनोवा कर करके थक चुके हैं, बट आपका जो ट्विन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से आपको साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में पता चल चुका है, राइट? इसलिए आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ओके? क्योंकि देखिए गाइस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ट्विन फिल्म्स के ऊपर वीडियोस देख रहे हैं, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनोवा करें तो अपना ट्विन, आपका जो ट्विन है वो आपकी लाइफ में रिटर्न आता है। तो आप इनोवा इसलिए कर रहे हैं कि आपका ट्विन आपकी लाइफ में रिटर्न आ जाए, राइट? बट आप इनोवा कर करके जब पूरी तरह थक जाते हैं, बट फिर भी आपका ट्विन आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आता है, तो आप क्या करते हैं कि आप इस जर्नी को पूरी तरह छोड़ के, आप गिव अप करके छोड़ के चले जाते हैं किसी और के साथ, मतलब अपने कोई कार्मिक के साथ या फिर कोई सोलमेट के साथ, राइट? तो अगर उससे पहले आपको साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में पता चल जाए कि साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी भी है, तो आपको थोड़ी सी राहत भी मिलेगी, राइट? आपके पर्सन के लिए वेट भी कर पाएंगे, ठीक है? चलिए, आज का ये जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप लोग आपकी जो पर्सन है उनके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हो गए हैं। तो चलिए देखिए गाइज, साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें मैं बताई हूँ कि साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी एक्चुअली क्या है। तो आप अगर इस चैनल पर नए नए एंटर किए हैं, आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, तभी जगह आपको पता चलेगा कि साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी क्या है, ओके? तो आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि आपको ये जर्नी क्यों मिली है, आपको साइलेंट ट्विन फिल्म जर्नी में क्यों डाला गया है, आपको इस जर्नी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपना इनोवा स्टार्ट करना है, ओके? जितना होगा मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि इसके ऊपर एक वीडियो में हम बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले, ओके? देखिए गाइस, साइलेंट ट्विन फिल्म जो होते हैं उनकी सोल हाईली इवॉल्व सोल होते हैं, इसलिए उनको मास्टर सोल्स भी कहा जाता है, ठीक है? तो आप लोगों की जो सोल है ना, आपकी पास्ट लाइफ में इसे बहुत सारे टफ सिचुएशन में गो थ्रू कर चुके होते हैं, इसे बहुत सारे आर्बर्स कंडीशन में गो थ्रू करके आगे निकल चुके होते हैं, ठीक है? इसलिए डिवाइन आपको इस जर्नी में फिर से डाला है, ओके? ताकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल को फिर से वही ट्रिगर मिले, और आपकी जो भी, मतलब आपने आपकी पास्ट लाइफ में जो कुछ भी सीखा है, जो लेसन को लर्न किया है उस आर्बर्स कंडीशन में, उन सारे जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, वो सारे एक्सपीरियंस, सारे एनर्जी फिर से ट्रिगर हो सके, ठीक है? और उसको सिर्फ आपका ट्विन ही ट्रिगर कर पाएगा, इसलिए आपका जो ट्विन है वो आपकी लाइफ में इस 3D में आया, और आपको, आप दोनों की जो बबल लव है, ये बस कुछ देर के लिए चला, और फिर आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह साइलेंट जोन में चला गया, मतलब वो पर्सन आपकी लाइफ में आने से पहले आप आपकी लाइफ के एक ऐसी फेज में गो थ्रू कर रहे थे जहाँ से निकलना आपके लिए बड़ी मुश्किल थी, राइट? तो उसी सिचुएशन में वो पर्सन आपकी लाइफ में आया और आपको वहाँ से निकाला, ठीक है? आपको एक इमोशनल सपोर्ट भी दिया, एक मेंटल सपोर्ट आपको दिया, और आप दोनों की जो फ्रेंडशिप है ये धीरे धीरे क्लोज होने लगी, और जैसे ही आपको उनके और थोड़ा अट्रैक्शन फील हुआ, आपकी मतलब आपको ऐसा फीलिंग्स आई कि ये जो पर्सन है, इस पर्सन को आप बहुत दिनों से जानते हो, मतलब बहुत ऐसी जो कनेक्शन होता है ना, जो पास्ट लाइफ की कनेक्शन, आपको जैसे ये सारी चीज़ें मतलब फील हुई कि हाँ, इस पर्सन को मैं बहुत सालों से जानती हूँ या फिर जानता हूँ, एंड जैसे ही आप अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी इमोशन है, उस पर्सन के साथ शेयर कर दिया, तो वो पर्सन क्या किया कि आपको छोड़ के वो चला गया, मतलब आपको अकेला छोड़ के वो पूरी तरह गायब हो गया, ठीक है? तो वो पूरी तरह साइलेंट जोन में चला गया, और उसके बाद वो कभी भी आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आया, ठीक है? तो उसके बाद आपको ट्विन फिल्म जर्नी के बारे में पता चला, और
आप आपकी जर्नी को भी अपनी आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपको एक्सपीरियंस मिला है उन सारे चीज़ों के साथ जब रिजोनेट किया है तो आपको पता चला है कि आप भी एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप अपना इनोवा भी स्टार्ट किया और डिवाइन में भी इस जर्नी को सरेंडर किया, सब कुछ जब एक्सेप्ट करके इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश किया तो आपका जो पर्सन है वो फिर भी आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आया, ठीक है। तो उसके बाद आपके मन में ऐसे डाउट आने लगे कि सब तो बोल रहे हैं कि इनोवा जब आप करके बैलेंस हो जाओगे तो आपकी लाइफ में आपका ट्विन जरूर रिटर्न आता है, बट ये पर्सन क्यों मेरी लाइफ में रिटर्न नहीं आया है। इसी चीज़ की वजह से आपके मन में बहुत सारे डाउट आने लगे, बहुत सारे सवाल आने लगे कि ये किस तरह की रिलेशनशिप है, ये किस तरह की जर्नी आपको मिली है। एंड देन आपके सामने साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी का कंसेप्ट आया, राइट। देखिए गाइस, अगर आपके सामने इस तरह के कुछ वीडियोस आ रहे हैं कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस जर्नी में हैं, ठीक है। डिवाइन इन सारे वीडियोस के थ्रू आपको ये बताना चाहता है कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपकी जो सोल है ना, ये मास्टर सोल है, ओके। तो आपको बहुत सारे इनोवा करना पड़ेगा अपने ऊपर। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल में वो सारे जो मेमोरी है आपकी पास्ट लाइफ की, वही सारे मेमोरी छुपी हुई है। तो आपको आपका जो पर्सन है ना, वो साइलेंटली उन सारे मेमोरी को ट्रिगर करेगा। जब तक आपकी सारी मेमोरी ट्रिगर नहीं होगी तब तक आपका पर्सन आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पता चल चुका है कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन डेली करना है, ठीक है। इसी के थ्रू ही आपकी जो पास्ट लाइफ की जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेमोरी है, ये जो भी आपके डीएनए में स्टोर्ड है, वो सब कुछ ट्रिगर होगा, ठीक है। आपको अपनी थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, इन दोनों चक्रा को सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा, तभी जाके आप डिवाइनल डाउनलोड को रिसीव कर पाएंगे, तभी जाके आप आपकी जो पास्ट लाइफ की जो भी इवेंट्स है ना, जो भी जो कुछ भी आप दोनों की मेमोरी है, वो सब कुछ आपको आपकी ड्रीम के थ्रू रिसीव होगा, या फिर ऐसी कोई डेजा वो वाली फीलिंग्स आपको आएगी जिसके थ्रू आपको आपकी पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आ जाएगी, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो क्या कर रहा है साइलेंट होके, ठीक है। तो आपको उतना क्रेविंग फील नहीं होगा कि आपका ट्विन साइलेंट होके क्या कर रहा है, वो क्यों आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है, आप इधर इनोवा के इतने सारे इनोवा कर करके पूरी तरह थक चुके हैं, तो आपके साथ क्यों कुछ भी नहीं हो रही है, कब आपकी यूनियन होगी, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में नहीं आएगा, क्योंकि आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आप दोनों की यूनियन कब होगी, कैसे होगी और कहाँ होगी, ठीक है। एंड गाइस, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि दोनों ट्विन्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, बट फिर भी एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं, राइट। क्योंकि उनके सामने एक इल्यूजन क्रिएट हो गई है, बट वो दोनों एक दूसरे को फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें आपके साथ हो रही है, क्योंकि आप दोनों इस 3D में इस 3D प्लेन में जन्म लिया है, तो आपके सामने इस 3D का इल्यूजन है, जिसकी वजह से आप आपकी ट्विन को नहीं देख पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं, बट आप आपकी ट्विन की एनर्जी को फील जरूर कर रहे होंगे, ठीक है। आप दोनों एनर्जेटिकली हर वक्त 5D में कनेक्टेड है, जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइज, ये जो भी पिक्चर मैंने लगाई है स्क्रीन पर, ये बस एक पिक्चर नहीं है, ओके। ये किसकी फीलिंग्स है, ओके, जो फीलिंग्स इस पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है कि आप दोनों इस 3D में अलग है, बट फिर भी एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ हर वक्त कनेक्टेड है, ओके। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप और आपकी जो ट्विन है आप दोनों अलग हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ओके। क्योंकि देखिए गाइस, मैं भी इस 3D में हूँ, आप भी इस 3D में हैं, राइट। बट आप अभी मुझे नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि आप और मेरे आप दोनों के बीच डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं, राइट। बट जैसे ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी, जैसे ही ये वीडियो आपके सामने आएगी, जैसे ही आप मेरी आवाज़ को सुनेंगे, तभी जाके आप मेरी एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो पर्सन है वो भले ही आपके सामने ना हो, भले ही आप उन्हें नहीं देख पा रहे हो, आप उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पा रहे हो, बट उनकी जो एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी के साथ आप हर वक्त कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप अपना टाइम और वेस्ट मत करिए कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। इस तरह की 3D वाली चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए, क्योंकि आपकी जो सोल है, आपकी सोल इन सारे चीज़ों से गो थ्रू कर चुकी है। आप आपके पर्सन की कॉल को वेट मत करिए कि अगर उनकी तरफ से वो आपको कॉल करेंगे तभी जाके आप अपना इनोवा करेंगे, नहीं तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आपकी जो सोल है,
आपकी सोल उसकी प्योरेस्ट फॉर्म में कभी भी नहीं आ पाएगी और आप इस 3D के चक्कर में पूरी तरह फंस जाएंगे, इस 3D की इल्यूजन में फंस जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि जो भी न्यूली अवेकेंड सोल है वो अपना इनोवा करके आगे बढ़ जाएंगे और आप एक हाईली अवेकेंड सोल, मतलब हाईली इवॉल्व सोल, एक मास्टर सोल हो के भी आप इस जन्म में पीछे रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप अपना इनोवा करिए। सबसे पहले तो आपको अपनी 7 चक्रा को पूरी तरह एक्टिवेट करके उसे बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्टेड कर पाएंगे और आपकी जो भी, मतलब आपका जो आउटर ट्विन है उसकी जो हाईएस्ट वर्जन है, उसकी जो 5D में आपका जो ट्विन है उनकी हायर सेल्फ से आप कनेक्टेड कर पाओगे, ठीक है। तभी जाके आपको कुछ डिवाइनल डाउनलोड मिलेगी और आपको आपका जो सोल है वो गाइड करेगा कि अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो आपको कैसे अपना इनर वर्क करना पड़ेगा। ओके, आप इनर वर्क के थ्रू अपनी अंदर की जो मास्कुलिन एनर्जी है जो सप्रेस्ड हो गया है उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करिए, उसे रेज करने की कोशिश करिए और अपनी जो इनर मास्कुलिन एंड इनर फेमिनिन ये दोनों एनर्जी को पहले अपने अंदर मर्ज करिए, ठीक है। उन दोनों को यूनियन में लाइए, तभी जाके आपका जो ट्विन है उनके तरफ से आपको कोई कॉल या फिर मैसेज आएगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे ही, आप दोनों ऐसे ही साइलेंट जोन में चलेंगे, ओके, क्योंकि ये एक डिवाइन जर्नी है तो डिवाइन को पता है कि कब आपको आपका जो ट्विन है कब वो आपकी लाइफ में आएगा, कब उनसे आपको ट्रिगर मिलेगा, कब आप दोनों की यूनियन होगी, ठीक है। ठीक है गाइज, इस वीडियो में हमने जो कुछ भी बातें किए हैं ये कोई टॉपिक के ऊपर बेस्ड नहीं था, ये बस ट्विन फ्लेम का इंट्रोडक्शन था, मतलब साइलेंट ट्विन फ्लेम का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको किस तरह से इनोवा करके आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको अपनी चक्रास को बैलेंस करना है एंड जब आपकी आउटर मास्कुलिन उनकी जब अवेकनिंग ट्रिगर होती है तो आपको किस तरह की साइन मिलता है एंड कैसे आपको पता चलता है कि वो सच में अवेकन हो रहे हैं या नहीं, उनकी लाइफ में क्या क्या चल रही है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि आज संडे है तो आज मेरा कुछ सेशन है तो सारे के सारे चीज़ें इस वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगी, राइट। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए आप अपना 7 चक्रा हीलिंग को स्टार्ट करिए, ओके, 7 चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश करिए एंड जितना हो सके आप अपनी थर्ड आई और क्राउन ये दोनों चक्रा को एक्टिवेट करिए, उसी से आपको डिवाइनल डाउनलोड मिलेगी और उसी से ही आप चैनलिंग कर पाएंगे एंड उसी से ही आपको आपकी पर्सन की एनर्जी रिसीव होगी, ओके। सो गाइज, आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगेन मिले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ओके। एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।